अच्छा पकड़ ही लिया, काचा खाना की बढ़िया खाना। ये बांटे लगा रहे हैं, ये अमन की नजर क्या तक लगी। देखो आप चौनू जी की मेहनत देखिए आपको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नए दिन के साथ में एक नई वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो आप सभी को इस पहाड़ी भुला का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मेरे इस प्यारे से गाँव से जिसका नाम है जी धौंतरी। ऐसा कुछ है आज का मौसम, हल्के फुल्के बादल भी लगे हैं। आजकल इन खूबसूरत वादियों में भाई रुपाई का काम चल रहा है और लगभग रुपाई का काम एकदम निपट ही गया है। और काफी टाइम से मैं नदी में नहाया नहीं, तो आज मैं सोच रहा हूँ यार दो चार दोस्तों को लेके जाऊं और नदी में मस्त ढंग से डुबकी लगाऊं। चलिए भाई, दिन का खाना खाने के बाद हम अपनी नदी में आ गए हैं। ये हमारी जरकुल नदी है, नवदीप है और ये आयुष और ये है भाई अमन बाहुबली। तो हम इधर टपरी करने के लिए आ गए भाई नदी में घूमने फिरने के लिए। दो लोंडे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। अभी हमारा नहाने का प्लान है और देख रहे हैं कोई बढ़िया वाला रो मिल जाए उधर नहाएंगे। नवदीप ने क्या उठा रखा भाई? ये हैवल कंट्रो, इसे वाले ये माछ मारेगा। देखते हैं भाई कैसे माछ मारता है। मुझे तो लग नहीं रहा है कि माछ मूछ कुछ मार पाएंगे। ये अपने परवीन जी भी आ गए। फिर भी इस नदी में भाई पानी बहुत ज़्यादा है, दूर से तो बहुत कम लगता है लेकिन पानी देखो भरपूर मात्रा में है भाई नदी में पानी। तो ये है भाई वो पौधा जिससे कि बोलिए मच्छी मारेंगे, इसको बोलते हैं कंट्रो। बाकी ये देखो भाई निरंतर बहती रह रही हमारी जरकुल नदी। हमारी नदी का पानी इतना साफ स्वच्छ है जिसको अगर वैसे भी पियेंगे कोई समस्या नहीं है, बहता हुआ पानी है। बाकी यहाँ का व्यू देखो आप, भाई साहब अल्टीमेट व्यू। पत्थर के नीचे बोले गजब गजब मचे छनी माछा पोड़े नहीं। नवदीप जी को भी बहुत एक्सपीरियंस है बोले मच्छी मारने का है, पिछले तीन साल से गजब पौड़ी घुस घुस के पकड़ता भाई बोले मच्छी। मम्मी लम्बी टपा की माना छोरा, ए बाबा हमारी बस की नहीं भाई। ये देखो भाई, ये है भाई मच्छभाग स्पेशलिस्ट और ये पौड़ी पौड़ी घुस के पता लगा रहे कहाँ मच्छी है। ये क्या अनुभव कहता है आपका? अनुभव ये कहता है कि दो तीन साल पहले पकड़ी हमने कम से कम 5-6 किलो मछली पकड़ी है, हाथ से पकड़ी भाई है। और एक तरफ कंट्रू से, एक तरफ से इन्होंने बोला कंट्रू डाला और एक तरफ से हाथ घुसाया अमन ने और खेचे। बाकी चलो अभी तो चलते जा रहे आगे बढ़ते जा रहे और जहाँ पे इन्हें मच्छी की गंध लग जाएगी ना भाई वहाँ पर ये थोड़ा सा रुक जाएंगे, टहर जाएंगे। लोंडो ने ये दो वाले पत्थर सेलेक्ट कर दिए, इसके नीचे वाले मच्छी है, एक इसके नीचे और एक वाले यहाँ और एक वाले उस पत्थर के नीचे। तो अभी क्या करेंगे, जो यहाँ से जो पानी आ रहा है इसको बंद कर देंगे, दीवार लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से जो पानी आ रहा है इसको भी बंद कर देंगे, दीवार लगाएंगे यहाँ पे, और तब इधर कंट्रो उठेंगे पत्थर के ऊपर और कंट्रो डालेंगे, तब देखते हैं मच्छी निकलती कि नहीं निकलती। पानी का लेवल देखो भाई कितना ज़्यादा कम हो गया, जहाँ जहाँ तक पानी का निशान आपको दिख रहा वहाँ तक था पहले पानी। कंट्रो से इन्होंने मच्छी मारनी है और कंट्रो से बुझ रहे हैं ये दीवार को। तो चलिए भाई इनकी दीवार लग गई यहाँ पर। तो ये देखिए जी प्रवीण जी ने और कंट्रो ला दिया है और इसे कूटने पे लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है आज प्रवीण जी कि भाई इसको तो मच्छी मिलनी चाहिए आज, नेचुरल तरीके से मच्छी पकड़ने का तरीका। और वैसे बिना कंट्रो के हाथ डाल के पौड़ी के नीचे वैसे भी मारते हैं मच्छी, नहीं भाई? हाँ, तो वैसे भी मारी जाती है मच्छी, उसके लिए भाई टेक्निक चाहिए, तरीका चाहिए। हाँ सही बात है। और भाई अपने प्रवीण जी बोल रहे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। प्रवीण जी का मैंड मसाला बन गया, पानी में डालने लग गया खूब रसा रसा के। वो जो मच्छी इधर होगी इन पौड़ियों में घुसी हुई वो बाहर निकल जाएगी, उनको देखते हैं निकलती मच्छी की नहीं निकलती। बाकी मेहनत तो भाई बहुत कर रहा दबा के, ये कंट्रो डाल के ये तालाब हरा तो हो गया लेकिन मच्छी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। पहाड़ी मछुआरा ये भाई मैंड काम कर रहा, भाई मैंड ये देखो भाई यहाँ मैंड काम कर रहा, ये पकड़ लिया जी पकड़ लिया। ये देखो यार, ये देखो भाई यहाँ फपड़ा रही मच्छी। अब यार कंट्रो ने बहुत काम करा भाई, ये देखो कुछ यहाँ पड़ रही कुछ वहाँ पड़ रही। पकड़ पकड़ पकड़
अबे ना पकड़ा ना पकड़ा, मैं यूं गया बोलो ने ना पकड़ा, ये मैं ये की कुटला। ये देखो भाई, ये हमारे गांव के असली मछवाग। अब भी आते माछ पकड़ के रखते, खतरनाक है भाई ये। मैं भी ऐसे आ रखा इनके साथ टपरी मारने के लिए, और मैंने मीट मछली सब छोड़ रखी है। यहाँ पे देखो दोस्तों कितना बढ़िया है भाई नहाने के लिए, बढ़िया से रोह बन रखा है यहाँ पे। यहाँ पे हम कई बार नहाते भी थे बचपन में, इधर को हम गाय वगैरह चराने के लिए आते थे। अरे खेत हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर जो दिख रही है आपको रोड है, और ये है पुल, ये श्रीकोनगढ़ ढूंग को कनेक्ट करता है। अब यहाँ नहाना था मस्त करके, लेकिन क्या करना, अभी धूप चले गई। ऐसा नेचुरल स्विमिंग पूल का अगर मिल जाए कहीं तो बात ही क्या है। नीचे देहरादून में तो लोग भी पैसे दे के 100-100, 200-200 रुपये दे के तब जाके मिलता है ऐसा, तब नहाते हैं, और वो भी पानी शुद्ध नहीं रहता। अभी तक तो भाई इन्होंने कंट्रो से माछ पकड़े, अब ये हथेगोल लगा रहे। हथेगोल बोले तो भाई पौड़े के नीचे हाथ डाल रहे हैं, और वहाँ से माछों को खींच रहे हैं बाहर। भाई यहाँ पर ये बांटे लगा रहे हैं, किसके हिस्से कितने आएगा भाई। धन हो छो रुकते हैं, 2-3 किलो माछ है उन्होंने पकड़ी ले, और अभी देखा और पकड़ने की तैयारी करना। 3 डालीनिस लौंडों का जो मनसूबा पार रखा था कि आज हम मछली पकड़ के रहेंगे, तो उन्होंने भाई अपना मनसूबा कामयाब कर ही दिया। 1.5 किलो उन्होंने मछली पकड़ ली, तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि मछली पकड़ी जाएगी, लेकिन भाई पकड़ी ली उन्होंने। तो ये माछा पकड़ी लिया, अब काचा खाना कि बढ़िया खाना। हाँ जी अमन जी, फिलहाल थक लेगी, बांटा सबसे बड़ा मछुआ था, चुप बने बोगो। हाँ जी बढ़िया खानो कि काचा खाना है, पकौड़ी है। बढ़िया बढ़िया, चमन जी भी हंस रहे हैं। ये खा बांट लेगी, और चीर फाड़ भी एक ही करना है। नीले ये देखा, चलिए भाई घर पे मैं पहुंच गया हूँ, और भाई अभी बहुत ज्यादा थकान भी लग रही कि चाय वगैरह पी लेते हैं। अर्णव जी नाच नाच के आ रहे, आ जाओ जी आ जाओ। अर्णव जी बढ़िया बढ़िया, ये कहाँ सीखा भाई ये डांस, फोन पे सीखा? अरे वाह बच्चे भाई सब कुछ फोन ही पे सीख रहे। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का रखना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय उत्तराखंड।